आदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ कमिटी क्लीन चिट अर्थ हेरफेर नहीं कौन प्रमाण ना यह बेआईन अर्थ लेनदेन नहीं कौन नियम उल्लंघन होइथिबार प्रमाण मिलिनथिबा कहिसेंति सुप्रीम कोर्ट को विशेषज्ञ कमिटी हिडेनबर्ग रिपोर्ट को नहीं आदानी ग्रुप्र विदेशी लिंक्र प्रमाण खोजिबारे मार्केट रेगुलेटर असफल रही रिपोर्ट में उल्लेख करिसेंति सुप्रीम कोर्ट कमिटी विशेषज्ञ कमिटी रिपोर्ट अनुसार हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आसिबा पूर्वरु आदानी ग्रुप्र स्टॉक रे शॉर्ट पोजीशन को आनिबा को प्रयास करा जाइथिबार प्रमाण रहिछि किंतु एहाको साधारण रे प्रकाश करा जाइनि तेबे एहाको नै कुहा जाई पारिबनि जे आर्थिक हेरफेरर कारण नियमावली रे विफलता आदानी ग्रुप विरोध में आसीथिबा अभियोग रे नियमावली रो उल्लंघन होइछि कि नै तार तदंत पई सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी गठन करथिले आदानी ग्रुप को नै हिडेनबर्ग रिसर्च अनेक परिचालनगत त्रुटि को दर्शाइथिला जहाँ को आदानी ग्रुप पक्षर खंडन करा जाएगी। Mr. Justice Sapre to look into the allegations of the Hindenburg report which surfaced on 24th of January. Now there were allegations that Adani Group ne kai galtiyan kari hain, SEBI bhi unko dekh rahi hai, sari cheeze report mein dekhi gayi hai aur uska basic natija, net result or the net conclusion of the report is completely in favor of the Adani group. The report has found that there is no stock price manipulation by the Adani group. It has also found that there is no violation of related party transactions. It has also found that minimum public shareholding requirements of SEBI are well maintained and there is no violation. और सबसे अहम बात जो कमिटी ने फाइंड करी है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर की प्राइसेस स्टेबल हैं, वो 24 जनवरी के पहले की प्राइसेस तो नहीं है लेकिन जहां पर भी हैं वो स्टेबल हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है और अडानी ग्रुप ने कई चीजें करी है अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हक में और देर इज नो रियल रीजन टू वरी और सेबी ने भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आज तक जो दी है कमेटी को वो यही है कि कई लोगों ने शॉर्ट सेलिंग जरूर करी 24 जनवरी को या उसके आसपास लेकिन उसमें अडानी ग्रुप का हाथ नहीं है, कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है लेकिन कमेटी ने कहा है कि भाई ये जो कानूनी नियम है सेबी के और नियम जो हैं उनको और पुख्ता किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, वो आगे बात फ्यूचर की है। सेबी इन्वेस्टिगेशन अभी और कर रही है लेकिन आज का जो नतीजा है उससे ये साफ जाहिर है कि अडानी ग्रुप ने सेबी या और कोई कानूनी वायलेशंस स्टॉक मार्केट में नहीं करी। देखिए हमने पहले भी कहा था, अडानी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो खुद ही मोटिवेटेड है, उनका काम ही ये है कि पहले एक क्राइसिस क्रिएट किया जाए, उस टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करी जाए, फिर सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेचा जाए, ये हिंडनबर्ग का काम है और ऑब्वियसली हिंडनबर्ग से या जान के या बगैर जाने ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जो आने वाली थी वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, लोगों ने इसका अनऑथराइज फ़ायदा उठाया है लेकिन इस फायदे से अडानी का कोई कंसर्न नहीं है, ये भी एक क्लियर फैक्ट है।